हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शहदाज हेल्थ अफेयर। फ्रेंड्स, आज मैं अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माइक्रोवेव की एक रेसिपी, जो बहुत ही झटपट बनेगी, इंस्टेंट रेसिपी है और खाने में बहुत ही लजीज है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होगी। तो आज हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव हांडी पनीर। तो हांडी पनीर बनाएंगे और बहुत ही झटपट से, मुश्किल से 8 मिनट में आपकी ये पूरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और कुछ चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहें तो वहाँ पर मैं आपको हिंट देती जाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले माइक्रोवेव सेफ बोल लेना होगा हमें, और उसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून ऑयल। अब आप ये देखिए, जब भी हम कभी प्याज या कुछ मसाला कढ़ाई में फ्राई करते हैं तो हमें कितना सारा ऑयल यूज़ करना पड़ता है, पर यहाँ पर हमें सिर्फ 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिए 2 तेज़पत्ते, 2 खड़ी साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा और 2 लौंग। इन सारी चीज़ों को इस ऑयल में डालेंगे। इसको अब हमें 1 मिनट सिंपल माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव यानी जैसे आप सिंपल खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव में, बस वही मोड पे हम ये सब्ज़ी बनाने वाले हैं। सिंपल आपको, अगर आपका 30 सेकंड का जो टाइमर होता है आप 2 बार दबा दीजिए तो वो 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ज़ीरे और मसालों की खुशबू आ जाएगी। फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन की कलियाँ। अब देखिए, कोई बर्तन नहीं होगा, सिर्फ 1 पॉट डिश है, डायरेक्ट मैं इसमें ग्रेट कर रही हूँ। इसमें कुछ भी हमें पिसा हुआ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें हमें या तो खड़ी चाहिए या फिर इस तरह से ग्रेट करके। तो मैंने 8-10 लहसुन ली थी, उसे इस तरह से ग्रेट कर दिया है। इसे भी मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। तो टोटल अभी तक हमने ये 2 मिनट के लिए मसाला माइक्रोवेव किया है। अब इसमें हमें डालनी है थोड़ी सी रॉ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, जिसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में यानी क्यूब्स काट लिए हैं। साथ में 1 बड़ी प्याज, इसे भी मैंने देखिए और रफली मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ में 2 हरी मिर्चें, जिसे मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। तो इन सारी सब्जियों को हमें इसमें डालना है और इनको अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि फ्लेवर इसमें इंटैक्ट रहे, तो मैं एक लिड लगा दूंगी इस तरह से। माइक्रोवेव सेफ लिड ही यूज़ करें। और ये देखिए, 1 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद ही बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है इसमें से, और सारी चीज़ें अच्छे से इसमें सौते भी हो गई हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे टोमेटो प्यूरी। तो टोमेटो प्यूरी के 2 ऑप्शन हैं, या तो आप कार्टन जो रेडीमेड मिलता है आप वो यूज़ कर लीजिए। मैंने फ्रेश यूज़ किया है, 4 टमाटर लिए, जिसे मैंने ऊपर का जो स्टेम वाला पार्ट है कट करके सिंपल 4 टमाटर को माइक्रोवेव कर दिया 1 मिनट के लिए। जब वो ठंडा हो गया उसका छिलका उतार के और इस तरह से उसको पीस लिया, तो ये हमारी फ्रेश टमाटो प्यूरी तैयार हो गई। तो ये 4 टमाटर की प्यूरी है। अगर आप रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं तो 1 कप आप रेडीमेड टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप रेडीमेड यूज़ करेंगे तो उससे कलर और थोड़ा अच्छा आ जाएगा। अब मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मैं थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें अच्छा सा कलर, क्योंकि मैंने घर की यूज़ की है प्यूरी, तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी जब सब्ज़ी बने तो उसमें एक रेस्टोरेंट वाला कलर और टेक्सचर आ सके। सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पहले एक बार बहुत अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि अब जब हम पनीर डालेंगे तब हम बहुत ज़्यादा इसको स्टर नहीं कर पाएंगे। अब मैंने लिया है, ये 200 ग्राम के करीब पनीर है, बोल में बताऊं तो एक बड़ा कटोरी भर के है। ये मैंने घर पे ही तैयार किया है तो एग्जैक्ट नाप नहीं बता पाऊंगी, अराउंड 200 ग्राम्स है। और इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने इसे कट करके इस तरह से इसे भी मिक्स कर दिया। अब सारी चीज़ें हम इसमें डाल चुके हैं, अब फिर से हम इसे कवर करेंगे, लिड लगाएंगे और इसको अब हम माइक्रोवेव करेंगे 4 मिनट। तो ये देखिए, 4 मिनट और 3 मिनट पहले, यानी 7 मिनट हमारे टोटल हो चुके हैं। और अब आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और आप देखिए ऑयल भी धीरे धीरे रिलीज हो गया है। ये देखिए, ऊपर आ गया है इसमें ऑयल,
और ये देखिए आप टेक्सचर देख रहे हैं सब्ज़ी का, और अभी आप इसमें कमाल देखिएगा लास्ट स्टेप में कितना इजी है ना दोस्तों। ना तो इसमें बर्तन ज़्यादा फैलाने का झंझट है, वन पॉट डिश है, जिसमें हम बनाएंगे उसी में सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम चीनी, और घर की जो मलाई होती है ये फ्रेश मलाई है तो स्मेल नहीं हो मलाई में, ऐसी मलाई आप यूज़ करें। 1/2 कप मैंने इस तरह से हल्का सा उसको बीट कर लिया और उसके बाद इसमें डाल दिया। यहाँ पे आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 कप। साथ में इसको और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए 2 टीस्पून मैंने डाला है टमाटो केचप, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, जिसे मैं क्रश करके इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और लास्ट में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला आप यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ कर लें, मेरा बिल्कुल एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, पर आप इसमें 1 टीस्पून डालिए तो बड़ा अच्छी सी इसमें एक खुशबू आएगी। फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी ड्राई मसालों की भी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, आप घर में गरम मसाले, तंदूरी मसाला और अलग अलग बिरयानी मसाले कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो देखिए पनीर डालने के बाद और सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है। अब आप देखिए जो हमने क्रीम डाली थी यानी मलाई डाली थी उसकी वजह से इसका टेक्सचर और कलर बहुत अच्छा हो गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है और सब्ज़ी हमारी बनके पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पर ये मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है सब्ज़ी। अब अगर कोई मेहमान भी आ रहा हो तो आप फटाफट से ये सब्ज़ी बना सकते हैं, और ट्रायल के लिए आप एक बार घर में ज़रूर बनाएं। आप मानिए मेरी, आप विश्वास मानेंगे जब आप एक बार ये बना लेंगे ना तो रेगुलर जो आप कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे, ये इतनी टेस्टी और लाजवाब बनेगी। तो अब कभी कोई अचानक से आ जाए तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप झटपट से पनीर की सब्ज़ी हांडी पनीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। दिखने में जितनी लाजवाब लग रही है खाने में भी बहुत ही उम्दा है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा रेसिपी, और आपके जो भी कमेंट्स हो, अच्छे हो बुरे हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हमें पता चले कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो आई होप माइक्रोवेव सीरीज़ जो मैं ये नई लेकर आई हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, एक के बाद एक कई सारे माइक्रोवेव टिप्स दूंगी, ट्रिक्स दूंगी, हैक्स दूंगी, साथ में नई नई रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर व्यू करते हैं मेरे वीडियोज़ को, प्लीज़ उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग वीडियो पसंद आने के बाद उसको शेयर भी किया करें ताकि और लोगों तक भी मेरी वीडियोज़ पहुँच सकें। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसी तरह आगे भी मेरे साथ बने रहें अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।